चलिए जानते हैं ऑफर और उसके प्रकार के बारे में। ऑफर किसी भी एग्रीमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एग्रीमेंट के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है, एक जो कि ऑफर लेकर के आए और दो वह जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। जब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तभी एग्रीमेंट होता है। इसीलिए एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2A के मुताबिक ऑफर के मायने है पेशकश यानी कि प्रपोजल, जिसके चलते एक आदमी दूसरे आदमी से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कुछ करने या कुछ ना करने के लिए कहता है और उम्मीद करता है कि दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ऑफर लेकर आने वाले व्यक्ति को ऑफरर या प्रपोजर कहते हैं और एक्सेप्ट करने वाले को ऑफरी या प्रपोजी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑफर के टाइप्स के बारे में। ऑफर तीन प्रकार के हो सकते हैं, एक कंटिन्यूस ऑफर, दो काउंटर ऑफर और तीन क्रॉस ऑफर। कंटिन्यूस ऑफर, कंटिन्यूस ऑफर को ओपन ऑफर भी कहा जाता है क्योंकि यह एक खास किस्म का ऑफर है जो कुछ समय के लिए ओपनली दिया जाता है, जिस दौरान कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर। काउंटर ऑफर, अगर ऑफरी सीधे सीधे ऑफर एक्सेप्ट ना करके कुछ कंडीशन लगा दे तो उसे काउंटर ऑफर कहते हैं, क्योंकि इस तरह वह उल्टे ऑफरर को ही ऑफर देता है कि मेरी शर्तों पर ऑफर एक्सेप्ट होगा, आपको मंजूर है तो बोलो। दोनों ही नेगोशिएशन पर उतर जाते हैं। यहाँ सिलसिला तभी रुकेगा जब कोई किसी की शर्त मान लेगा, तब तक काउंटर ऑफर चलते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ए अपनी कार बी को 80,000 रुपये में बेचना चाहता है, पर बी का कहना है कि वह उस कार को 60,000 रुपये में खरीदेगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बी सीधे एक्सेप्ट ना करके काउंटर ऑफर रख रहा है। क्रॉस ऑफर, अगर दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के लिए एक प्रकार यानी कि एक जैसा ऑफर लेकर के आए तो उसे क्रॉस ऑफर कहते हैं।